सोमवार को लखीमपुर खीरी कांड को एक वर्ष पूरा होने पर संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा इस दिन को विरोध दिवस के रूप में मनाते हुए किसान संगठनों से आरोपी केंद्रीय मंत्री का पुतला दहन करने का आह्वान किया गया था, जिसके चलते सोमवार को जनपद के जानसठ कस्बे में भी भाकियू कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन के मंडल उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का पुतला दहन करते हुए मंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। सोमवार को भाकियू कार्यकर्ता राजमार्ग स्थित निरीक्षण भवन के सामने इकट्ठा हुए तथा अजय मिश्र के विरोध में नारेबाजी करते हुए केंद्रीय मंत्री के पुतले को आग के हवाले कर दिया। भाकियू कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस मामले में भाजपा सरकार लगातार दोषी मंत्री को बचाने में लगी है, वह जब तक दोषी मंत्री को उसके किए की सजा नहीं मिल जाती किसान संगठन अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। वहीं दूसरी ओर भाकियू कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार किसानों की ट्यूबवेल पर विद्युत मीटर लगाने पर आमदा है, लेकिन क्षेत्र के किसान ट्यूबवेलों पर विद्युत मीटर लगाने का विरोध करते हुए अपनी ट्यूबवेलों पर मीटर नहीं लगने देंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू के मंडल उपाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा व ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने बताया। आज का कार्यक्रम जो था हमारा किसान मोर्चे का आह्वान था, जो लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, कितने किसान मार दिए, और वो आज भी राज्य गृह मंत्री है, गवर्नमेंट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसके विरोध में हमने आज उसका पुतला फूंका, मुर्दा बुट के नारे लगाए और प्रशासन के खिलाफ भी और सरकार के खिलाफ भी। न्याय होना चाहिए, जो कातिल है उसे कातिल का दर्जा मिलना चाहिए, जो सेवक है उसे सेवक का दर्जा मिलना चाहिए। तो ये दोहरी नीति गवर्नमेंट की, अगर कोई दूसरा काम करता है तो सूढ़ी पर चढ़ जाएगा, और वे काम करते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया जाएगा। तो किसान की तो जिंदगी कुछ ना कुछ होगी, या अंग्रेजी वाला मामला है, कार गाड़ी मारे रहेंगे, कोई मर जाओ गैली जमानत हो जाएगी, सब मामला हो जाएगा। तो क्या उसे अधिकार है अपने पद पर बना रहने का? तो उनकी तुरंत बर्खास्ती हो जाए, हमारी ये मांग है। और मांग हमारी है कि हमारी तहसील में जो भ्रष्टाचार है इस पर नियंत्रण हो, कार्य सही करे जा। गवर्नमेंट बढ़िया पैसे दे रही है इनको, पटवारी को भी दे रही है, कानों को भी दे रही है, तहसीलदार को भी दे रही है, एसडीएम को भी दे रही है। जो कोई भी कार्य बिना पैसे का नहीं होता उसका हम विरोध कर रहे हैं। बिजली विभाग में जगह जगह जो दो चार मीटर लगाने जा रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। उनको पाड़ के फेंकेंगे, और पाड़ के फेंकेंगे नहीं, गाड़ भी फाड़ेंगे जी। आज का कार्यक्रम जो है, आज एक साल हो गया जो लखीमपुर खीरी में गाड़ी से किसानों को कुचल के उनकी हत्या करी गई थी, और जो इसका अजय टेनी मिस टेनी का जो है पुतला फूंका गया, ये भी 120 बी में जो है मुलजिम है, इस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो पुतले नहीं फूकते रहेंगे, और इसको जो है पद से भी हटाया जा सरकार द्वारा, नहीं तो पुतले ऐसे ही सरकार के भी अनिंद के भी पुतले ऐसे ही फूकते रहेंगे। इतने इतने इन पर कोई कार्रवाई नहीं होने की, इतने ऐसे ही हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा।